प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये जो है बानसगुरु की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता या सफलता। इसमें क्या देखो, यानी ये जो हमारा प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके जो तथ्य है, जिसके नियम है, ये सिद्धांत उन नियमों के विपरीत है। यानी ये सिद्धांत और इस सिद्धांत आपस में विपरीत है, यानी जो इसके तथ्य हैं उनकी व्याख्या ये नहीं करता है। यही कहे कि ये इसके विपक्ष में तर्क रखता है। देखो कैसे, इसके तीन बिंदु हैं। मैं पहले हम बात करें नंबर एक पर ऊर्जा के आधार पर। देखो ये ऊर्जा के आधार पर इनमें कैसे आपस में विवाद होता है। तो देखो ये कैसे है, ये सिद्धांत ये कहता है, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर हम प्रकाश तरंगे डालते हैं, जब प्रकाश तरंगों की तीव्रता में वृद्धि करते हैं तो तरंगों का आयाम भी बढ़ता है, और तरंगों का आयाम बढ़ने से तरंगों की संचित ऊर्जा भी बढ़ती है। तरंगों में संचित ऊर्जा बढ़ने से अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यानी सिद्धांत ये कहता है कि अधिक तीव्रता के अगर आप तरंगे प्रकाश तरंगे डालते हैं धातु की सतह के ऊपर, तो तरंग का आयाम बढ़ता है। आयाम बढ़ने से तरंग ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने से अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये बात कहता है ये सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत ये बात कहता है कि किसी धातु पृष्ठ पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उनकी ऊर्जा में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती है, या उन प्रकाश की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सिद्धांत ये कहता है यदि किसी धातु पृष्ठ पर हम अधिक तीव्रता का प्रकाश डालें, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये का पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है तीव्रता के आधार पर। प्रकाश तरंग सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश तरंगों की तीव्रता इतनी हो कि इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर आने में आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, ध्यान देंगे, यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी धातु सतह पर प्रकाश तरंगों की तीव्रता इतनी हो कि इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके, फिर चाहे आवर्ती कितनी भी हो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन अवश्य बाहर निकलेंगे, फिर चाहे आवर्ती कितनी भी हो उस सतह से इलेक्ट्रॉन अवश्य बाहर निकलेंगे। जबकि इस सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी धातु पृष्ठ पर डिग्री आवर्ती से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु सतह से कभी भी किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो आप समझ गए, ये तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अवश्य बाहर आएंगे, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आ सकते। तो इनका दूसरा इस विवाद था तीव्रता के आधार पर। तीसरा पॉइंट का विवाद चलता है समय के आधार पर। देखो सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर हम प्रकाश तरंगे डालते हैं, प्रकाश तरंगे अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देती है, जिससे धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके सतह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो बाहर आने में कुछ समय लग जाता है। लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी धातु सतह पर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर आने में कोई समय पश्चता नहीं होती, यानी कोई समय नहीं लगता। ये तो कह रहा है कि समय लगता है और ये कह रहा है समय नहीं लगता। तो तीन पॉइंट है इनके जो आपस में विवाद होता है, पर हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।